पीछे फ्लाइट का टाइम हो चुका है लोड करने का एंड मैं अपनी जैकेट बोला है, मेरे को भागना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आज गाइज है डे 5, विच इज अवर लास्ट डे। आज हम लोग मीना बाजार जाएंगे, वहाँ पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, फिर गोल्ड सुख जाएंगे, कुछ गोल्ड वगैरह की आइटम देखेंगे। गाइज वैसे मेरे को कुछ पीसीवीसी का सामान देना, तो वो भी चेकआउट करेंगे गाइज। और मैं आपको एक चीज बताऊँ, कल मेरे को पता लगा था आबू धाबी जब हम लोग एंटर करते हैं तो रोड का जो रंग है डार्क ब्राउन हो जाता है, रोड का हाईवे का रंग डार्क ब्राउन हो जाता है, और जब हम लोग दुबई एंटर करते हैं तो रोड का रंग ब्लैक हो जाता है, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है ऐसा ही ब्लैक हो जाता है, तो डिफरेंस है गाइस दोनों में। गाइस चलो मैं चलता हूँ मीना बाजार की तरफ, मैं आपको मीना बाजार दिखाता हूँ, तो आप कनेक्टेड रहिएगा। गाइस फाइनली हम लोग मीना बाजार में हैं और यहाँ पे शराफत डिजी नाम की जगह है जो की बहुत ही बड़ी डिजिटल स्टोर है। और गाइस हम लोगों ने वहाँ से एप्पल वॉच खरीदी है, आई थैंक्स माई वाइफ फॉर हेल्पिंग मी हाउ टू बाइंग दिस वॉच, थैंक यू प्रिंसी फॉर बाइंग दिस वॉच। एंड गाइस बहुत अच्छा और बहुत बड़ा स्टोर है, इस स्टोर की अलग ही बातचीत है गाइस। लेकिन चेकअप की गाइस मैं वॉच को ओपन करने वाला हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक माय वाइफ फॉर गिफ्टिंग मी दिस वॉच। ये इसका स्ट्रैप है गाइस, गाइस क्या लग रही है गाइस ये वॉच, गाइस कैसी लग रही है गाइस, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रही है। दिस इज माई वॉच गाइस, कैसी लग रही है गाइस थोड़ा बताओ मेरे को गाइस प्लीज, अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। आगे हम लोग चलते हैं दूसरी मार्केट की तरफ, लेट्स गो गाइस। ऐसा पल भी आएगा मुझे तेरे बिना जीना है ना, लगता ऐसे ही बहुत पसती, अब कोई वो पल जैसे उड़ता हवा में, मैं वो हुआ फिर भी जाऊँ तेरा मैं सब कुछ भला, मेरी आँखें सुखा है दिल कुछ भी तो होता नहीं, फिर होने लगा दूरी मंजिल मेरा, होने लगा गाइज। तो मैं आया हूँ मालाबार में शॉपिंग करने के लिए, मैंने गाइज एप्पल वॉच बाय कर ली, मेरे लिए बस वही था, गोल्ड वगैरह भी मेरे को इतना शौक नहीं। अच्छा है गाइज यहाँ की मार्केट भी बहुत अच्छी है, डिज़ाइन एक से एक बढ़ के यहाँ पे। मैं अभी ज्वेलरी देखता हूँ थोड़ी सी अपनी वाइफ के लिए, लेट्स कनेक्ट अगेन। तो फाइनली गाइज लोगों ने शॉपिंग कर ली है, अब हम जा रहे हैं सीधा होटल की तरफ, अपनी बस कैब बुक करेंगे और सीधा होटल जाएंगे, उसके बाद अपना लगेज वगैरह पैक करेंगे एंड देन विल बी बैक टू दिल्ली ऑल टुगेदर। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गाइज, मैं यही बता रहा था आप लोगों को, इस बाजार के अंदर भी गाइज कुछ स्कैम चलता है, जैसे आप लोगों को पता है मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, कुछ एक बंदा मेरे पास आया कह रहा आप ये ले लो अरेबिक पता नहीं कुछ कह रहा था, आप पाउडर ले लो सो यू विल गेट स्लिम इन वन मंथ, एंड फिर उसके बाद फिर दोबारा से और बंदे मिले, फिर वो कहीं और हमें ले गया, मतलब ऐसे ऐसे करके इनकी एक चेन है। तो हम लोग समझ गए, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो प्लीज इन चीजों पे मत पड़िए, क्योंकि ये लोग आपको किसी भी रीजन से आपको कुछ भी कह के ये लोग अपने साथ लेके चले जाएंगे कि आपका आईज के नीचे कालापन है, आपके बाल कम है। तो हमने ये चीज जो पूछी थी ये हमने हमारे जो जहाँ से मैंने वॉच ली है तो मैंने वही उन्हीं भैया से पूछा था ऐसा क्या है, ऐसा कुछ एक्चुअली में है क्या, तो वो कहते हैं कि सब कुछ ये स्कैम है, कि यहाँ पे जो है दुबई में सबको पता है कोई चीटिंग नहीं करता है, सब लोग एक नंबर से काम करते हैं, बट इस चीज का ये नजायज फायदा भी उठाते हैं, एंड बहुत सारे इंडियंस जो है हमारे जैसे और सारे जो पीपल है वो स्कैम्ड आउट, तो आप इन स्कैम से बचे रहे। गाइस अब मैं कर रहा हूँ टैक्सी और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, एंड मिलता हूँ गाइस आप लोगों को। हेलो गाइस गुड इवनिंग, फाइनली गाइस टाइम हो चुका है हमारा वापस आने का, हमारी गाड़ी आ चुकी है एंड वी गाइस आर गोइंग बैक टू इंडिया। अभी हम जा रहे हैं दुबई एयरपोर्ट, होटल छोड़ रहे हैं यहाँ पे आप लोग, ठीक है चलो।
ओके गाइस, तो हमारा सिक्योरिटी चेक पूरा हो चुका है और हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। अभी गाइस देखा जाए तो वाकई में मैं कहना चाहूंगा कि दुबई के एयरपोर्ट में खड़ा हूँ और दुबई का एयरपोर्ट भी ऐसे मॉल जैसे ही लग रहा है। गाइस जाने का समय है, ये भी मॉल जैसे लग रहा है। आई थिंक दुबई का कुछ शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है इस टाइम पे, एंड आई थिंक दैट आज इनकी जो है दुबई वालों की एनिवर्सरी है गाइस एयरपोर्ट की, तो इतनी ज्यादा रौनक लगी हुई है यहाँ पे एंड अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है सामान के ऊपर। तो हम थोड़ा सा सामान वामान लेते हैं गाइस और फिर हम लोग फ्लाइट की तरफ जाते हैं एंड मिलते हैं गाइस आप लोगों को इंडिया में। ओके गाइस, जिस लॉन्ज में बैठा था मैं उस लॉन्ज में अपनी जैकेट बुलाया हूँ, तो अभी मेरे जा रहा हूँ जैकेट लेने, पीछे फ्लाइट का टाइम हो चुका है लोड करने का एंड मैं अपनी जैकेट बुलाया हूँ, मेरे को भागना पड़ेगा जैकेट लेने के लिए। जैकेट लूंगा उसके बाद में अपना फ्लाइट बोर्ड करूंगा। चलो गाइस मैं फटाफट जा रहा हूँ वहाँ पे और मैं आपको फिर बताता हूँ आगे का हाल चाल। भाग भाग के हालत खराब हो चुकी है, जैकेट मिल गई है गाइस एंड मेरी पानी की बोतल भी मिल चुकी है और मैंने कुछ दो ड्रिंक्स निकाल के रखी थी वो भी मेरे को मिल चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ गाइस फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ फ्लाइट की तरफ, फाइनली पहुंच गया गाइस, मैं फाइनली पहुंच गया हूँ। बहुत ही भागते भागते फुल स्पीड में मैं आया हूँ एंड बता नहीं सकता। अभी देखो गाइस फ्लाइट जो है बोर्ड हो रही है, लोग बोर्डिंग कर रहे हैं अपनी। चलो गाइस मैं फ्लाइट बोर्ड करता हूँ फिर आप लोगों को मिलता हूँ दिल्ली के। तो फाइनल टाइम टू से बाय बाय टू दुबई और हम बैठ रहे हैं फ्लाइट में जाके एंड ये रहा गाइस हमारा हवाई जहाज एंड सेइंग बाय। दिल्ली पहुंच चुके हैं एंड इस ट्रिप से गाइस हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। आई होप आप सब लोग इस ट्रिप को, इस व्लॉग को सीरीज आई है, इट वाज लाइक अ मूवी फॉर अस एंड आई होप दैट आप छोटी सी जो हम लोगों ने मेहनत करी है थोड़ा सा कोशिश करे कि आप लोगों को चीजें दिखा पाए हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो हम लोग करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो और अगर हम लोगों ने कोई गलती करी हो तो वी आर सॉरी, एवरीथिंग वेंट वेल एंड कोई कमी पेशी होगी व्लॉग के अंदर तो प्लीज बताना। बीच में थोड़ा गाइस शोर था व्लॉग बनाते हुए, पहली बारी व्लॉग बना रहे तो हम लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो थोड़ा प्यार दीजिएगा। जस्ट लास्ट थिंग कुछ कहना चाहूंगा मैं आपसे, आप कुछ कहना चाहोगे क्या? सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा एंड कोई कमी पेशी होगी तो हम नेक्स्ट टाइम अपने नेक्स्ट ट्रिप में बिल्कुल उसको पूरा करेंगे। थैंक यू। चलो गाइस तो तुम्हारी बात